तो पहले दिन से ना अपनी जोड़ी अर्जुन के साथ बनाना चाहती थी, बीच में आ गया तू। अब फंस तो गई है, और कोई रास्ता था नहीं, सोचा तुझे कुछ बना लेती हूँ। जब देखा तू भी कुछ नहीं बनेगा, तो फिर पहुंच गई अपनी पहली पसंद अर्जुन के पास। मैं तो मर गई अपने पुत्र को समझा समझा के कि ये कुड़ी इस घर के लिए सही नहीं है, तेरे लिए सही नहीं है। तूने एक नहीं सुनी मेरी, और इसे ना सिर्फ पैसे से मतलब है, और किसी चीज से इस कुड़ी को कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसी कुड़ियां जिस घर में जाती है ना पुत्र, उस घर को सिर्फ बर्बाद करती है और कुछ नहीं। माही मैडम के लिए पार्सल है। लो, मिल गया सबूत भी। इसमें क्या खोल? ये सब चाहिए था ना तुझे? ले, मिल गए महंगे तोहफे। एक मिनट पेपे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या सबूत है आपके पास? सिर्फ एक फोटो जिसे अगर गंदी नजर से देखा जाए ना तो गंदी लगती है। बना है तो वो एक आम फोटो बेबे, और पीछे रह ही क्या गया बेबे? सिर्फ दावे। एक दावा अर्जुन कर रहा है और एक दावा मैं कर रही हूं। एक कह रहा है कि कुछ गलत हुआ है, और एक कह रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। बात बस इतनी है बेबे, जो मेरे अपने हैं वो मुझ पे यकीन करेंगे, मेरी बात पे भरोसा करेंगे। और जो नहीं है वो मुझसे सफाई मांगेंगे। तो जो अपने हैं उनके सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो अपने है ही नहीं उनके सामने कुछ बोल के फायदा ही नहीं है। जलेबी की तरह मीठी और गोल गोल बातें करके निकल गई। जितना मैं माही को जानती हूँ ना, मैदान छोड़ के जाने वालों में से वो है नहीं। अगर वो गई है ना तो इसका एक कोई मतलब है कि वो गलत है, और वो खुद इस बात को
जानती है कि वो गलत है। नहीं बेबे, माही क्या जानती है क्या नहीं जानती है मुझे नहीं पता, पर आप माही को शायद अब तक जान नहीं पाए हो। वो चुप्पी साध के इसलिए नहीं चली गई कि वो गलत है, उसने चुप्पी इसलिए साध ली क्योंकि वो सही है। बेबे अगर माही चाहती ना तो आपको जवाब दे सकती थी, पर उसके लिए शायद उसे आपको गलत साबित करना पड़ता, जिस बात का उसे कल को पछतावा भी होता, और इसीलिए उसने अपनी बेगुनाही से ज्यादा आपकी इज्जत को अहमियत दी और चुपचाप यहां से चली गई। सॉरी बेबे, पर इस बार माही सही है, आप गलत हो। और कोई और उसकी बात का भरोसा करे ना करे, पर उसके पति का भरोसा उसके साथ है। अच्छा, तो तू उस माही के लिए अपनी मां को सुना रहे? मैं सुना नहीं रहा हूं बेबे, मैं बस सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूं। आ रही है लक्ष्मी, कल से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। और जोगी मुझसे बात मत कर, क्यों तू नाराज है मुझसे? माही और तू और गुस्से को थूक दे, मैं गुस्सा ही नहीं हूं, तो मुंह फुला के क्यों बैठी है? मेरे को बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? मेरा मन
रुक जा, मियां बीबी का आपस का मामला है, निपट लेंगे वो, तेरे को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। माही यार कमाल करती है यार, और मुझे अर्जुन की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और बकवास करता बंदा, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे स्टूडियो से निकल के गया था, लग तो नहीं रहा था कि तुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, वो तो मैं थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा हो गया था, पर गुस्सा तुझ पे थोड़ी था, गुस्सा माहौल पे था, वो मौके पे था। कोई नई बात नहीं है जोगी, तेरा गुस्सा ना हमेशा तेरे नाक पे ही रहता है, लेकिन ये टाइम ना गुस्सा करने का नहीं था, मेरे साथ खड़े रहने का था। ओए ओए, ये तो लग रहा है आपस में लड़ रहे हैं दोनों। लो जी, लगता है जोड़ी नंबर वन को भी किसी की नजर लग गई। पर ना, सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही इम्पोर्टेंट है, मेरे इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तू एक काम कर, अपना गुस्सा तू रख अपने पास। तू रुकती नहीं है, बंदा खड़ा कैसे रहे तेरे साथ? ओ सोनड़ा माही, देख माही, मेरा मतलब सुन माही। ओ यार, मुझे पता है कि तुझे ना मेरी और हमारे परिवार की कितनी फिक्र रहती है, और तू जो कुछ करना चाहती है हमारे लिए करना चाहती है, हमारा भला करना चाहती है। पर ना, इस बार तूने वो गलती कर दी यार। एक गलत? क्या गलत किया है मैंने? तुझे ना अर्जुन के घर नहीं जाना चाहिए था, और क्या जरूरत थी? अच्छा, क्या जरूरत थी? तुझे पता है अगर मैं ना जाती ना तो तू जाता वहाँ पे। कोई बड़ी गलती करते मैं वहाँ गई थी ताकि उसको उसकी औकात दिखा सकूं, उसको कुटने गई थी ताकि तू उसको जाके तोड़ फोड़ ना दे। हाँ, बिल्कुल सही किया तूने, और मैं तो तेरी तरफ हूँ, तू हमेशा सही करती है यार, और मुझे तेरी बात पे भरोसा है। और मैं उन पतियों में से थोड़ी ना हूँ जो अपनी पत्नी को कहेंगे जाओ जी अग्नि परीक्षा दो। अच्छा, और मैं ना उन औरतों में से हूं भी नहीं जो अपनी अग्नि परीक्षा दे। अग्नि परीक्षा देने का ना तेरा टाइम आ गया जोगी। कुछ भी हो जोगी, तुझे तो स्टार बनना ही पड़ेगा। तुझे लगता है ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं एकदम सही थी, तो अब ना कहने से कुछ नहीं होगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे मेहनत करनी होगी, हर चैलेंज में खरा उतरना पड़ेगा, स्टार बनना पड़ेगा। ओ, ओ, बस यार, थक गया हूं मैं, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। स्टार बनना है, मेहनत करनी है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना है, और बस यार बंदे की भी कोई मर्जी होती है, मुझे आराम करना है, मुझे सुकून चाहिए यार, टू मच हो गया अब। चोकी, इस वक्त ना मैं तुझे पीछे नहीं हटने दूंगी, ना कोई चांस नहीं है। तो बस ठीक है, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा, ना कोई चांस ही नहीं है। चैलेंज कर रहा है मुझे? ओए मेरी देवी माँ, मैं चैलेंजों से थक गया हूं। यही चाहिए। मैं तो तुझसे करवा के रहूंगी, चाहे तू इसके लिए मुझे घर से बाहर ही क्यों ना फेंक दे। मैं ना तुझे घर से बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं तुझे अपने सामने रखूंगा, अपनी नजरों के सामने रखूंगा। पता क्यों? ताकि मैं तेरी खातिरदारी कर पाऊं और मैं तेरी सेवा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है ना? नहीं। हाँ? ताकि तू मेरी नजरों के सामने रहे, और अगर तेरे दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आए कि तू अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मेरा बलिदान देना चाहती है, तो मुझे पता चल जाए। कलेश नहीं खत्म होगा। अर्जुन का प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा है। नाइस।
कोई जरूरत नहीं है। जब तक तू मेरी बात नहीं मान जाती ना, तब तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तू जिद्दी है ना, तो मैं भी जिद्दड़ का पति हूँ। मैं जब तक काम नहीं कर लेती ना, मुझे खाना नहीं पचता। तो अब ना खाना पचाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ तू उन लोगों में से है जो सेवा करके खुश होते हैं, सेवा करवा के तो चिढ़ जाते हैं। तो बस अब तो मैं तेरी फुल ऑन सेवा करने वाला हूँ। तुझे जो करना है ना तू कर, बस मुझसे बहस मत कर। ठीक है, नहीं काम करने देना ना मुझे, मत करने दे। तो एक काम करते हो, तुम घर के काम करो, मैं अपनी मिक 21 चलाऊंगी। तुम घर की जिम्मेदारी संभालो, मैं बाहर की। फाइन। वैसे तुझे कोई भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो मिल गया तुझे, पैसा, रुतबा। अब भाई इतने बड़े बंदे की गर्लफ्रेंड होने का रुतबा मिला है, तभी तो देखो इतने ताव में बात कर रही है, पहले तो नहीं कभी की। बस बेबे बहुत हो गया, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब कुछ अब इस घर में कोई नहीं बोलेगा इसे। ओए आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल रूपा दूध बांटने। जी बीजी। माही मैडम है, अर्जुन सर ने उनके लिए कुछ भेजा है। देख लिया। चल हम तो बकवास कर रहे हैं ना, ऐसे तोहफे आते रहे तो दुनिया का मुंह कैसे बंद करवाएगा तू? हम्म, मैडम आपके लिए, मैडम आपके लिए एक चीज और भेजी है। आप क्या है? ये केक और ऑर्डर दिया है, जब तक आप इसे ना खा लें मैं इधर ही रुकूं। अच्छा ठीक है। मैंने उसकी औकात दिखा दी। अपने सर को जाके बोलना अगर उन्होंने ये हरकतें बंद नहीं की ना, तो उनको उनकी औकात दिखा दूँ। समझा? अब दफा हो यहाँ से। लेकिन मैम चुप, निकल। लेकिन मैम, मैम प्लीज निकल, प्लीज निकल यहाँ से। बेवकूफ, ये सब अर्जुन का किया हुआ है। चंदा, अर्जुन ये सब अर्जुन नहीं माही तू कर रही है, मानना पड़ेगा। तू ना बहुत ज्यादा स्मार्ट निकली, मतलब एक लड़की को अपनी जिंदगी में पैसा और प्यार दोनों एक साथ कैसे रखना है ना, कोई तुझसे सीखे। जोगी से प्यार का कोटा पूरा करवा लिया और अर्जुन से पैसे का। वाह, इनक्रेडिबल। मुझे ना तो अर्जुन का प्यार चाहिए और ना ही उसका पैसा। ये सब ना तुमको ही मुबारक हो। और मेरे परिवार और मेरे पति की टेंशन लेना तू बंद कर और जाके अपना रिश्ता बचा। माही मैडम, अर्जुन सर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है।
क्योंकि क्योंकि अर्जुन ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते में दरार पैदा कर सके। तू अगर स्टार बनने का सपना छोड़ देगा ना जोगी, उसका काम और आसान हो जाएगा। ये गिफ्ट्स भेजना, ये झूठी अफवाहें फैलाना, इससे शायद वो फेल हो जाए। लेकिन तू अगर अपना सपना छोड़ देगा ना, तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। जोगी जोगी प्लीज मेरी बात सुन, एक बारी दरवाजा तो खोल। जा, जाके दरवाजा खोल। अर्जुन ने फिर से कोई गिफ्ट भेजा होगा तेरे लिए। अब क्या है? माही जी, मैं जोगी जी को साइन करने के लिए आया हूँ। और किसके कहने पे आए हो? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। अब उसकी आवाज सुन के? जी। जोगी, जोगी देख, तुझे कोई साइन करने आया है। सब प्लीज आइए ना, बैठिए प्लीज। जोगी, जोगी नीचे आ। जोगी, जोगी देख, तुझे कोई साइन करने आया है। ओए अर्जुन की ना कोई चाल होगी। जोगी मैंने बात कर ली है, वो तेरी आवाज सुन के आए हैं। हो, मेरी आवाज सुन के आए हैं? वाह, बल्ले तुम्हारे हैं। मेरी आवाज सुनिए, अर्जुन राय के ऑर्डर सुने। उठो। जोगी क्या कर? जोगी तू? नहीं नहीं, आपकी आवाज सुन के आया हूँ। तू क्या बोल रहा है? तुझे तो माही जी ये बताइए, एक तरफ जगराता सेंसेशन आपके पति और दूसरी तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री के मालिक अर्जुन राय आपके बॉयफ्रेंड। अर्जुन राय नाम ही काफी है, इतनी लड़कियां इन्हें फंसाना चाहती थी पर बाजी आपने मारी। कैसे? ओ जैसे मैं तुझे कसम मारूंगा, अभी बकवास कर रहा, और मैं जान निकालूंगा तुम सबों की। ओ क्या जोगी जी कहते हैं, दोनों हाथ कढ़ाई में और सर घी में। तेरी कढ़ाई में हाथ नहीं लगा सकता, मीडिया से सब रिकॉर्ड हो रहा है। बात यह है कि अर्जुन राय आपका बॉयफ्रेंड है, उसके बावजूद आप जोगी के साथ क्यों है? क्या कोई मजबूरी है? ओ तुम्हारी तो बात बोल दिया तुमने। मारियो, 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 मारियो। हाँ भाई, पति के होते हुए पत्नी ने बॉयफ्रेंड बना रखा है और तेरे मुंह पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हिम्मत तो तेरे से सीखनी चाहिए। मैंने कहा था तुझे कि अगर तेरी वजह से फिर से मेरे पुत्र को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बस बेबे, ये जो कुछ भी कर रही हूं ना, ये एक मां की जिम्मेदारी होती, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, उसे हौसला देना, उसे रास्ता दिखाना। और आपने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां उठाई होती ना बेबे, तो मुझे नहीं उठानी पड़ती। आप प्लीज प्लीज मेरे रास्ते में आना बंद कर दो बेबे। तेरी ये बड़ी बड़ी बातें ना, ना तो मुझे समझ आती हैं और ना ही मेरे पुत्र को।
तू बस भगवान से प्रार्थना कर कि आज जोगी कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। तेरा ड्रामा अब तेरा खेल खत्म। अब देखते हैं कि किसका खेल खत्म होता है और किसकी कहानी शुरू होती है। पर जो बुज़दिल होते हैं ना वो ऐसे ही गुंडों के पीछे छुप के वार करते हैं। जो शेर होते हैं ना और बेवकूफ होते हैं वो लोग जो ये सब बातों में आकर खुद लड़ने आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं और कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या माही के पास कोई जवाब नहीं बचा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस पत्नी का भी चक्कर होता है उसके पति का ऐसा ही हाल होता है? जवाब दीजिए जोगी जी, किसने मारा आपको? क्या आपके आशिक अर्जुन राय ने आपकी पति की ये हालत की है? अर्जुन राय ने खुद पीटा या आपने अपने पत्नी को पिटवाया? किसने पिटवाया होगा? जवाब दीजिए। बस करो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कोई इंसान इस हालत में पड़ा हुआ है और तुम अपने रोटियां सेक रहे हो? यहाँ पे इंसानियत मर गई है क्या तुम्हारी? इस हालत में उसका हाल पूछने के बजाय तुम गंदे गंदे सवाल पूछ रहे हो। ओए आकाश, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा बहन की मदद कर जाके, जा। बस इस घर में इंसान आ सकता है, जानवर आ सकते, लेकिन तुम जैसे गिद्ध नहीं आ सकते। दबा जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। चीजू को अंदर लेकर चलते हैं।
जोगी, क्यों है मेरा बेटा? आखी बेटा, किसने करा मेरा नहीं हाल, कीड़े पड़े उसके, आराम से। तुम लोग संभालो, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। जी बेबे, आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जब तक तू इस घर में है ना, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। और सही कह रहा तूने बार, इस घर में इंसानों को आने की इजाजत है, जानवरों को भी आने की इजाजत है, लेकिन गिद्धों को आने की इजाजत नहीं है। तुझे पता है इस घर के गिद्ध कौन है? तू। जब से इस घर में आई, मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र की खुशियों को नोच नोच के खा गई है। चली जाए यहां से। पर अरे ये कैब कंपनी के नाम पे आप लोगों ने क्या मजाक लगा रखा है? 10 मिनट से कैब बुक करके मैं यहाँ धूप में खड़ा हूँ और लास्ट मिनट में आप लोग कैंसिल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या ना, मेरे को एक मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे अपनी गाड़ी में? प्लीज मुझे ना अभी बहुत जरूरी काम करने जाना है, किसी को तोड़ने जाना है, तो आप अपना ये आईडिया ना ड्रॉप कर दो और दूसरी टैक्सी ले लो। दूसरी टैक्सी बुक की थी मैंने, लेकिन क्या है ना वो टैक्सी उसने लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया। अब दूसरी टैक्सी वापस से अब बुक करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिए ना प्लीज, और जितना भी किराया आएगा ना उसका दुगना किराया दे दूंगा, ट्रिपल भी दे दूंगा, बट प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तुम पैसे वालों को लगता क्या है हाँ, कि थोड़े से पैसे फेंके और किसी की भी नाक को हाँ में बदल दो? मेरी बात ना ध्यान से सुनो, तुम्हारे ये पैसों का रुबाब ना मुझ में नहीं चलेगा, समझे? एक मिनट, I'm really sorry. आपकी जो सोच है ना पैसों को लेके, बिल्कुल सेम सोच मेरी भी है कि पैसों से ना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन इस वक्त ना उस मीटिंग में पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कर रहा था।
प्लीज आप ड्रॉप कर देंगी मुझे? प्लीज इंसानियत के नाते। कहाँ जाना है? बाईपास। ठीक है, रास्ते में आएगा, चलिए छोड़ देती हूँ। ओके, थैंक यू। आपको कोई शॉर्टकट पता है जिससे हम लोग 9 मिनट और 29 सेकंड में पहुंच जाएंगे? क्या ना, लिफ्ट में भी 4 मिनट जाएंगे और मेरे पास सिर्फ 13 मिनट और 29 सेकंड ही बचे हैं। आप फिक्र मत करो, मैं आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में पहुंचा दूंगी। मुझे भी कहीं जल्दी पहुंचना है। वैसे आजकल आप जैसे लोग जिसमें काम को लेकर इतना जुनून हो ना, बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप अंबर सर के तो नहीं लगते? एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ, यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ, अपने नए होटल के लिए साइट देखने। चलो बढ़िया, इसी बहाने यहाँ के लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। काना चलो। या, चलो। बुरा जो देखन मैं चला, सिंगर तो कमाल है। I mean, क्या कमाल की आवाज है इनकी। बंदा भी बहुत कमाल है जी। मुझसे बुरा ना को। आपकी बात सुन के लग रहा है कि आप इस सिंगर को काफी करीब से जानती हैं। ना को। हमारा नाम भी एक है और हमारी जिंदड़ी भी एक है। पति है मेरे, जो की नाम है इनका। वाओ, लव मैरिज? नहीं नहीं, एक्चुअली इन्हें मुझसे लव हो गया और हालात कुछ ऐसे हुए कि शादी अरेंज हो गई। इंटरेस्टिंग। वैसे जोगी जी ने अपने गानों में खुद की लव की डेफिनेशन तो बयां कर दी, आपके हिसाब से लव की डेफिनेशन क्या है? अब मेरे लिए प्यार का मतलब है न्योछावर होना, उसके लिए जिससे आप प्यार करते हो, उसके आसपास के लोगों के लिए, और उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। वाह, लेकिन जिस प्यार की आप बात कर रही हैं, वो प्यार सिर्फ फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में प्यार पर हक दोनों तरफ से बराबर बराबर होता है। मेरे हिसाब से अगर प्यार डिमांडिंग नहीं है तो वो सच्चा नहीं है। That's what I believe. मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो जोगी है ना, वो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ज्योतिष हैं क्या? नहीं, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, जोगी जी की आवाज ही उनकी इस बात का सबूत है कि वो एक दिन कितने बड़े सिंगर बनने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की। अब अगर फ्यूचर में आप किसी प्रॉब्लम में और मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। हाँ, वैसे एक काम था जो आप कर सकते थे। काश जो आपके अंदर ये जुनून है ना काम को लेके, आप मेरे जोगी को दे सकते। वो तो मैं नहीं कर सकता, एंड आई थिंक उन्हें इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की जो कुछ कर दिखाने की जिद है, आपकी मेहनत है और आपकी दबंगई है ना, उनके मन में जुनून को अपने आप ही पैदा कर देगी। काश आपकी बात सच हो जाए। वैसे आपसे एक बात पूछूं? जी? आप इतने गुस्से में क्यों थे? थी नहीं, अभी भी हूं। वो तो बस आपकी टेंशन देखी तो थोड़ा चुप हो गई, वरना मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए जा रही हूं। लो, आपकी मंजिल आ गई। Thank you so much. By the way, I'm Rishi. Mahi, रब करे आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो जाए। Bye. Bye. Rishi, तुम अपना नया होटल खोल लो और मैं जाके अपना पुराना हिसाब करके आती हूँ। आज तो तुझे अकल दिला के रहूंगी मैं अर्जुन, और फिर चाहे मुझे उसके लिए जुबान चलानी पड़े या फिर छित्तर।